सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो भाई यहाँ पे आज हम खेलने वाले इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, दो ओवर का गेम प्ले करेंगे आज। तो चलो भाई यहाँ पे मैच को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम खेलेंगे भाई एडलेट के ग्राउंड में बार्बाडोस में खेलेंगे यहाँ पे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने टीम सिलेक्ट कर ली है अपनी। तो आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा यहाँ पे। तो चलो भाई देखते हैं कौन जीतता है, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़, दोनों कितना अच्छा खेलते हैं। और भाई अब वीडियो पे कमेंट करो कि आपको और क्या देखना है, आप कमेंट ही नहीं करते हो आजकल भाई, और व्यूज़ भी नहीं आ रहे वीडियो पे। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, सपोर्ट करो यार थोड़ा। तो यहाँ पे हेड खेलेंगे भाई, सपोर्ट करोगे तो मैं आगे और भी गेम प्ले, क्रिकेट 22 के भी गेम प्ले डालूंगा। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो चैनल को, आप व्यूज़ ही नहीं दे रहे हो तो व्यूज़ लाओ भाई, और लाइक कर दिया करो वीडियो पे। कम से कम 10 लाइक तो आनी चाहिए 300 बंदे में। चलो भाई पहला ओवर हम करवाएंगे प्लंकेट से। और भाई मेरे को पता आप ज़रूर करोगे आज के मैच में, तो इस वीडियो में भाई 10 लाइक का एम रखता हूँ मैं, तो प्लीज़ करवा देना भाई लोग। और वीडियो पे कमेंट कर दिया करो कि आपको और कौन और किसका गेम प्ले देखना है, तो हम वो भी डाल दिया करेंगे। पहली बॉल खेलेंगे साई होप, सीधा कट कर दिया, एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पे जॉय रूट की। तो एक रन के साथ खाता खोला यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने। देखते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ कितने रन का टारगेट रख पाएगी इंग्लैंड के सामने। सेकंड बॉल डालेंगे वो की, बहुत बढ़िया फुल शॉट खेल दिया गैप में, चौका मिल सकता है क्या, मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, पहली बॉल पे भाई थप्पड़ सा शॉट जड़ दिए यहाँ पे। एविन लुइस भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। थर्ड बॉल डालेंगे ओवर की अपनी, देखते क्या करते हैं लुइस। इस बार स्वीप खेले पर सीधा फील्डर के हाथ में, बहुत बढ़िया वापसी यहाँ पे। तो भाई तीन बॉलों में वेस्ट इंडीज़ 5 रन बना पाई है। फोर्थ बॉल देखते हैं ओवर की क्या करते हैं लुइस। एक और स्वीप पर सीधा फील्डर के हाथ में, गैप ही नहीं ढूंढ पा रहे यहाँ पे। कोशिश अच्छी है पर गैप मिल नहीं रहा यहाँ पे एविन लुइस को। फिफ्थ बॉल डालेंगे ओवर की, देखते क्या करते हैं, अटैक करेंगे वो भाई। सिक्स मार दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, नज़ाकत के साथ खेला भाई एविन लुइस ने, बहुत बढ़िया सिक्स यहाँ पे। तो 11 रन बना दिए 5 बॉलों में। आखिरी बॉल देखते ओवर की क्या करते लुइस। ये तो गैप नहीं ढूंढ पाया सीधा फील्डर के हाथ में। तो भाई पहले ओवर में वेस्ट इंडीज़ बना पाई सिर्फ 11 रन और विकेट नहीं खोई अपनी। तो आखिरी ओवर में देखते कितने रन बना पाएंगे। तो यहाँ पे मार्क वुड से करवाएंगे हम ओवर, देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन बटोर पाएंगे, क्योंकि भाई टारगेट तो थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा इन्हें। 11 रन तो कुछ नहीं है। पहली बॉल डालेंगे मार्क वुड यहाँ पे साई होप को। तो देखते हैं साई होप क्या करते हैं यहाँ पे। तीन बॉल, बहुत बढ़िया गैप में फ्लिक कर दिया, 4 रन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे साई होप का, पैरों पे बॉल थी और उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पे साई होप ने भाई, बिल्कुल परफेक्ट टाइम से खेला है। सेकेंड बॉल देखते ओवर की क्या करते हैं, सीधा गैप में भाई 4 रन, बहुत बढ़िया पुल शॉट यहाँ पे। फील्डर की गलती भी भाई, फील्डिंग नहीं कर पाया यहाँ पे, 4 रन और। सो भाई तो भाई हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। थर्ड बॉल जाते हैं भाई, दो बैक टू बैक चौके पड़ चुके हैं। इस बार सीधा फील्डर के हाथ में, 19 रन बन गया भाई। देखते हैं फोर्थ बॉल क्या करते हैं। एक और सीधा फील्डर के हाथ में, गैप नहीं ढूंढ पाए भाई, दो बॉल डॉट हो गई है। फिफ्थ बॉल देखते हैं, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया यहाँ पे, एक ही रन मिल पाएगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, 20 रन बन गए इंग्लैंड के, सॉरी वेस्ट इंडीज़ के। तो आखिरी बॉल है ओवर की, देखते आखिरी बॉल पे क्या करते हैं यहाँ पे भाई। बहुत ख़राब बॉल पर यहाँ पे कीपर ने रोकने में पूरा सहयोग दिया यहाँ पे, वरना चौका जाता ये भाई, हो गया काम। नो बॉल, ये भी वाइड।
देखते हैं भाई फ्री हिट पे कितना फ़ायदा उठा पाएंगे यहाँ पे एविन लुईस। भाई एक और नोबल हो गई है, बहुत ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं मार्कूर, देखते क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट यहाँ पे एविन लुईस का, पूरा गेंद को भाई पूरे लपेटे में लिया है यहाँ पे, पूरे भाई गेंद को अपने हाथों में लिया बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बढ़िया पुल शॉट यहाँ पे एविन लुईस का, आखिरी बॉल डालेंगे ओवर की, देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या करते हैं एविन लुईस। एक और सिक्स भाई, बहुत ही बड़ा ओवर गया ये, पूरा ओवर बटोरा यहाँ पे एविन लुईस और साई होप ने, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की पारी, बहुत बढ़िया 35 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने, तो अगर हमें मैच जीतना तो 36 रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जेसन रॉय और जॉय रूट खेलेंगे और बॉलिंग कराने आए हैं की पॉल। पहली बॉल देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे जेसन रॉय भाई, पहली बॉल को पहुँचा दिए स्टेडियम के बाहर, बहुत बढ़िया बाउंड्री यहाँ पे, सॉरी ग्राउंड के बाहर, बहुत ही बढ़िया भाई परफेक्ट टाइम से सिक्स खेले यहाँ पे जेसन रॉय ने। सेकंड बॉल देखते हैं क्या करते हैं, एक और गैप में खेला है पर एक ही रन मिल पाएगा, बहुत बढ़िया। तो दो बॉलों में 7 रन बना पाई इंग्लैंड। तीसरी बॉल देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सिक्स यहाँ पे, क्या जाएगा, आउट हो गए भाई जो रूप यहाँ पे, उड़ाने की कोशिश करी थी पर बहुत ही बढ़िया कैच पकड़े भाई, अब रिप्ले देख सकते हैं ये जा रहा था बाउंड्री की तरफ, पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। जॉय रूट का भाई इरादा तो अच्छा ही था पर बहुत बढ़िया कैच यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ब्रेंडन किंग ने पकड़ा कैच, तब ओइन मॉर्गन आए हैं खेलने। 3 बॉलों में इंग्लैंड सिर्फ 7 रन बना पाई है। फोर्थ बॉल देखते हैं क्या, एक और विकेट भाई, बैक टू बैक विकेट ले गए यहाँ पे, 29 रन की ज़रूरत है भाई 8 बॉलों में, लगता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने मैच बना लिया अपने हाथों में, और देखते हैं कीपर हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया सिक्स यहाँ पे, हैट्रिक थी पर बेस्ट ने होने नहीं दी, बहुत बढ़िया सिक्स यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 रन पे पहुँच गई है, आखिरी बॉल है ओवर की, देखते क्या करते हैं। बहुत बढ़िया शॉट खेला था पर टाइमिंग नहीं कर पाया, हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया तो था। तो भाई 3 विकेट ले गए यहाँ पे पॉल, बहुत बढ़िया ओवर वेस्ट इंडीज़ के तरफ से। तो देखते भाई इंग्लैंड बना पाएगी या नहीं, पहले ओवर से 13 रन बने हैं, हाँ और 3 विकेट गिर गए भाई, 3 विकेट पहले ही ओवर में। सेकेंड ओवर देखते पोलार्ड आए यहाँ पे कप्तान खुद, देखते कप्तान क्या कर पाते हैं। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे टाइमिंग के साथ, चौका मिल जाएगा यहाँ पे, 5 बॉलों में 19 रन की ज़रूरत है, देखते हैं बन पाएंगे या नहीं। पहली बॉल पे तो चौका मार दिया यहाँ पे, पर भाई जेसन रॉय अटैकिंग प्लेयर हैं तो बना भी सकते हैं, टाइमिंग अच्छी हुई नहीं है यहाँ पे। क्या 3 रन, देखते हैं तीसरा मिल पाएगा या नहीं, मिल जाएगा भाई, बहुत ही ख़राब थ्रो। तो आखिरी की 4 बॉल बची हैं, और आखिरी की 4 बॉल में 16 रन की ज़रूरत है यहाँ पे वेस्ट इंग्लैंड को। क्या, ओ भाई एक विकेट और गिर चुकी है यहाँ पे, सो भाई यहाँ पे एक विकेट और गिर गई है इंग्लैंड की, वो भी बेन स्टोक के रूप में, तो यहाँ पे बेन स्टोक को भी बिना खाता खोले वापसी जाना पड़ेगा भाई। 20 रन पे 4 प्लेयर निपट गए यहाँ पे, बहुत ही गंदा खेल रही है यहाँ पे इंग्लैंड। तो क्रिस वोक्स आए हैं, अब देखते क्रिस वोक्स क्या, कोई जेसन रॉय स्ट्राइक पर रहेंगे, देखते जेसन रॉय का जलवा दिखाता है। नो बॉल, यस कैच इट, बच गए भाई यहाँ पे जेसन रॉय, 2 रन तो मिल जाएंगे। फ्री हिट डालेंगे यहाँ पे पोलार्ड, देखते क्या करते फ्री हिट का, फ्री हिट पे देखते हैं जेसन रॉय कितना बड़ा फायदा उठा पाएंगे या नहीं। भाई कोई फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई 4 2 बॉल ही बची है,
दो छक्के की जरूरत है, मैच हार चुके हैं आप इंग्लैंड। ये भी भाई अच्छी टाइमिंग हुई नहीं है, बहुत ही खराब खेल खेली आज इंग्लैंड। एक बॉल में अब 10 रन की जरूरत है, जो तो भाई नामुमकिन ही है। आखिरी बॉल भाई, इस ओवर में चौका ही एक ही लगा है बस। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे इंग्लैंड रन बनाने में नाकाम रही, बहुत ही बढ़िया जीत यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो भाई अब हम आपको मिलते हैं अगली गेम प्ले में।